वालेकुम वरहमतुल्ला जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का इर्तका कि नर्वस सिस्टम कैसे कैसे चेंज होता गया है। अच्छा बेटा, बुनियादी तौर पे नर्वस सिस्टम दो किस्म का होता है। एक होता है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा, ये जो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है ये हाइड्रा में पाया जाता है और जेलीफिश में पाया जाता है, जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये प्लेनेरिया और ह्यूमंस इंसानों में पाया जाता है। बेटा, अगर हम डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम की पहली एग्जांपल जिसे हम हाइड्रा कहते हैं, अगर हम हाइड्रा के बारे में पढ़ें, तो ये मैंने ना बेटा डायग्राम भी बना दी है हाइड्रा की, और प्लस ये मैंने इसको जरा एलेबोरेट करके बयान भी कर दिया, तवज्जो से सुन लीजिएगा बेटा। नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा, नंबर एक आपने ये याद रखना है कि हाइड्रा में किसी किस्म का कोई हेड या ब्रेन नहीं पाया जाता। अच्छा बेटा, नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा कैसा होता है? हैव डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा होगा? डिफ्यूज्ड होगा। अच्छा बेटा, चंद एक स्पेशल फीचर्स हैं जो सिर्फ हाइड्रा में पाए जाते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आपने तवज्जो से सुन लेने हैं। नंबर वन, हाइड्रा क्या है? स्मॉल एक्वेटिक एनिमल है। और हाइड्रा में दूसरा करेक्टर क्या होता है? हैव सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा हरकत नहीं करता। अच्छा, उसके बाद कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। बेटा, हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है, ये किस पर मुश्तमिल होगा? न्यूरॉन पर मुश्तमिल होगा। और ये न्यूरॉन कहाँ मौजूद होंगे? ये न्यूरॉन है, ये इन बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म मौजूद होंगे। देखें, एक्टोडर्म ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और एंडोडर्म ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये न्यूरॉन मौजूद होंगे। अच्छा बेटा, हाइड्रा का ये जो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली कैसा नजर आता है? अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन। हाइड्रा में सेल बॉडीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं और उसी को गैंग्लियन कहा जाता है। अच्छा बेटा, हाइड्रा में नो सेंसरी मोटर आर इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट। हाइड्रा में किसी किस्म के सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन मौजूद नहीं होंगे। और इसी तरह नो स्पेशलाइज्ड सेंस आर्गन। हाइड्रा में किसी किस्म के कोई भी स्पेशलाइज्ड आर्गन भी मौजूद नहीं होंगे। अच्छा बेटा, व्हेन अ स्टिमुलस इज गिवन, जब एक स्टिमुलस दिया जाएगा, होल बॉडी ऑफ एनिमल रिस्पॉन्ड एज अ यूनिट। तो पूरे का पूरा जो हाइड्रा है, पूरे का पूरा हाइड्रा एक यूनिट के तौर पे रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, हाइड्रा में ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, इन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये मोर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलस होते हैं। अच्छा बेटा, ये तो था डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। हाँ बेटा, प्लेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है और ये बेटर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू हाइड्रा। अगर हम प्लेन एरिया की डायग्राम देखें तो आपको ये डायग्राम बेटा नजर आ रही होगी। अच्छा बेटा, ये जो टिप है, ये जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन में ये साइडों पे दो आउटग्रोथ्स नजर आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइलोब्ड मास ऑफ टू गैंग्लियंस। ये दो गैंग्लियंस का बाइलोब्ड मास होता है जो कि एक्ट एज ब्रेन आर हेड, ये ब्रेन के तौर पे काम कर रहा होता है। अच्छा बेटा, प्लेन एरिया करता क्या है? इट रिसीव एंड सेंड इम्पल्सिस फ्रॉम एंड टू द बॉडी ऑफ प्लेन एरिया। बेटा, ये जो ब्रेन होगा,
ये पैगामात को रिसीव भी करेगा और यहाँ से हिदायत को भेजेगा। इट हैज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन इनटू सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। अच्छा चलो मैं आपको इसके डिफरेंस भी साथ साथ बताता जाऊं। जैसा कि प्लेन एरिया में हमने पढ़ लिया कि ये जो बाइलोब्ड मास है गैंग्लियंस का, ये ब्रेन के तौर पे काम कर रहा है, जबकि हाइड्रा में किसी किस्म का कोई ब्रेन नहीं होता, ये याद रखिएगा बेटा। हाँ, इसके साथ साथ यहाँ प्लेन एरिया में लिखा हुआ है ना, इट हैज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन इनटू सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव, जबकि हाइड्रा में किसी किस्म की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती। अच्छा, प्लेन एरिया में ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं इम्पल्सिस को टू ब्रेन, दिमाग की तरफ इम्पल्सिस को कंडक्ट करेंगे, और जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करेंगे, कैरी इम्पल्सिस टू इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन इम्पल्सिस को कहाँ लेके जाएंगे, इफेक्टर के पास लेके जाएंगे, मतलब क्या, अवे फ्रॉम ब्रेन, दिमाग से दूर लेके जाएंगे, जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नर्व्स। बेटा एसोसिएटिव न्यूरॉन दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ प्लेन एरिया में और जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रा में सेंसरी मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन नहीं होती, जबकि प्लेन एरिया में होती हैं और बकायदा इनके फंक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ ये जो टच और प्रेशर का जो स्टिमुलस है, इसके लिए खास किस्म के रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। टच और प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लेन एरिया में, जबकि हाइड्रा में ये रिसेप्टर सेल्स अब्सेंट थे। अच्छा बेटा, प्लेन एरिया में लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स दोनों पाई जाती हैं, जैसे ये आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा बेटा, प्लेन एरिया में तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन हाइड्रा में ये नर्व्स मौजूद नहीं होती। और इसी तरह प्लेन एरिया में सुपरफेशियल नर्व्स और डीपर प्लेक्स ये दोनों मौजूद होती हैं, जबकि हाइड्रा में सिर्फ सुपरफेशियल नर्व्स मौजूद होती हैं। बेटा ये एंटीरियर रीजन में ना, आगे वाले रीजन में, यहाँ पे आईज मौजूद होती हैं, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स ऑफ प्लेन एरिया भी कहा जाता है। हाँ, और इसके साथ साथ इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को हम कीमोरिसेप्टर्स भी कहते हैं, ये केमिकल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।